नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। साथियों, आज हम देखेंगे अध्याय एक का विद्युत आवेश और क्षेत्र से हमारा ये छठवां वीडियो रहेगा। ठीक है, इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है पृष्ठीय आवेश वितरण और दूसरा है आयतन आवेश वितरण। पिछले वीडियो में हमने रेखीय आवेश वितरण के बारे में समझा और उसका व्यंजक निकालने का प्रयास किया। ठीक है, आज हम दोनों को, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये वाला जो प्रश्न है वो 2019 में पूछे जा चुके हैं। कितने नंबर के लिए? एक नंबर के लिए पूछे जा चुके हैं। तो पूरी संभावना है कि इसी प्रकार से एक नंबर या दो नंबर के प्रश्न, मतलब 20 में भी पूछा जाए। ठीक है, सॉरी 2020 में आया था, इसमें आया था 2020 में, और ये 21 में भी आने की पूरी संभावना है, इसी टाइप का कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहेंगे? जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण एक समान हो, निरंतर एक समान हो। जैसे मान लीजिए कोई क्या है आपका, एक पाठ है ना, पृष्ठ है, और इस पर कोई आवेश जो है एक समान निरंतर रूप से क्या हो, फैलते हुए हो, वितरित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और इसी स्थिति में, यदि इस स्थिति की बात करें, तो चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, है ना, चालक ये क्या हो गया आपका, चालक हो गया चालक के प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब प्रत्येक अंश पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर आवेश की उपस्थिति की मात्रा। यदि इसी पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे हम? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। और इसका जो, इसे किसे दर्शाते हैं? इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होगा, ठीक है, हमने रैखिक आवेश वितरण का, रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या बताते हैं? कूलाम प्रति मीटर। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होने के कारण ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग ये वाला। ठीक है, अब हम कुछ थ्योरी की ओर चलते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर मैं एक पृष्ठ बना देता हूँ, ये हो गया पृष्ठ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं कीजर लग देता हूँ, इसकी दूरी r, और एकांक सदिश जो है r कैप हो जाएगा। ठीक है, माना किसी, मान लीजिए हम किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एस है। ठीक है, जिस पर आवेश का वितरण या आवेश एक समान वितरित है, एक समान वितरित है। ठीक, यहाँ पे एक छोटी सी हम क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे, मतलब एक अवयव लेंगे जिसे हम बोलेंगे ds। क्या बोलेंगे? ds। पृष्ठ पर ds अवयव लेते हैं, जहाँ पर हमने इस पृष्ठ पर एक अल्पांश या ds का एक अवयव लेते हैं, जहाँ पर आवेश घनत्व
आवेश घनत्व जो है डी क्यू है। यहाँ इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ डी एस, और इसको मैं लिख देता हूँ डी क्यू है। ठीक, अब इसलिए यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, आवेश घनत्व निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व निकालेंगे तो आपको पता है सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी एस बटा डी क्यू। ठीक है ना, आवेश बटा सॉरी डी क्यू बटे क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा, आवेश बटा क्षेत्रफल का। ओके, अब यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं डी क्यू का मान, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस हो जाएगा, इसको आप समीकरण एक दे सकते हैं। ओके, ये तो आवेश घनत्व निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये जो पृष्ठ है अल्पांश है, छोटा सा अवयव है ना, यहाँ पर इसकी दूरी जो आर है वहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा गया है क्यू ज़ीरो, वहाँ पर विद्युत आवेश बल की गणना करेंगे। ठीक है, तो डी एस या लिख सकते हो अवयव डी एस से आर दूरी पर स्थित परीक्षण आवेश। ओके, ऐसे लिखना है आपको, परीक्षण आवेश की जीरो पर स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब स्थिर वैद्युत बल हम कहाँ से लेंगे, कूलाम के नियम से लेंगे, क्योंकि हम अल्पांश ले रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पे डी क्यू है, यहाँ पे आवेश घनत्व क्या है, डी क्यू है, तो यहाँ से डी क्यू और क्या लेंगे हम, क्यू ज़ीरो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी क्यू एन क्यू ज़ीरो बटे आर स्क्वेयर, चूँकि यहाँ पे क्या लेंगे एकांक सदिश लेंगे, इतना हो जाएगा ये तो किसके हो गया, अल्पांश के लिए हो गया, या कर सकते हो आप यहाँ से समीकरण एक से मान रखने पर। अब समीकरण एक से जब हम मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी क्यू, यहाँ पर भी क्या है डी क्यू, इसके मान हम कितना रख देंगे सिग्मा डी एस, तो यहाँ रख देंगे डी एफ 1/4 pi epsilon 0, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डी एस क्यू ज़ीरो बटे आर स्क्वायर आर क्या। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हो गया अल्पांश के लिए अवयव, मैंने लिखा अवयव। अब पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, पूरे क्षेत्रफल के लिए। अब हम क्या लेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे, ये क्या था अल्पांश के लिए था, अब क्या लेंगे हम पूरे पृष्ठ के लिए लेंगे, तो पूरे पृष्ठ पर वितरित आवेश पर कीज परीक्षण आवेश के कारण, सॉरी है ना, पूरे पृष्ठ पर वितरित आवेश के कारण परीक्षण आवेश की जीरो पर लगने वाला बल। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो क्या था आपका छोटे से अंश के लिए लिए थे, अब यहाँ पे हम क्या ले, पूरे पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, मतलब पूरे जो ये पृष्ठ दिख रहे हैं ना आपको, इस पृष्ठ के लिए, तो हम क्या करते हैं इसका योग करते हैं, संपूर्ण योग, छोटा छोटा अंश करके योग होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ बराबर 1/ ये समाकलन होता है, समाकलन मतलब छोटे छोटे अंश का पूरा योग कर देना, समाकल कर देना, यह हो जाएगा आपका एस मतलब क्षेत्रफल 1/4 pi epsilon 0
यहाँ पे क्या है आपका, देखो सिग्मा डी एस क्यू ज़ीरो बटे आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। एफ क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको की ज़ीरो, ये बाहर निकल जाएगा और एक जो है फोर पाई एप्सिलॉन ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा डी एस, ये वाला सिग्मा डी एस बटे आर स्क्वायर आर कैप। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। तो ये रहा किसके लिए, ये जो दिख रहा है ना आपको पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए, यहाँ लिख सकते हो पृष्ठीय आवेश वितरण पर लगने वाले बल होगा। ये बहुत सिंपल है। तो ये रहा मतलब है पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए। अब प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है इसका एसआई मात्रक बताइए, ठीक है, या पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है इसको समझाइए, ठीक है। तो पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक के आपको समझाने हैं, ऐसा पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, परिभाषा इसका है। अब वितरण के लिए इसका क्या है, आपका व्यंजक है। तो चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है, किसी तो चलिए हम देखते हैं आयतन आवेश वितरण और साथ में देखेंगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। किसी चालक के संपूर्ण भाग में आयतन के रूप में, ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण और हम साथ में देखेंगे आयतन आवेश वितरण के साथ साथ आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, बस उसका जुड़वा भाई है ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आयतन आवेश वितरण किसे कहते हैं, जब कोई आवेश जो है किसी चालक के संपूर्ण आयतन भाग में, ठीक है, उसके आयतनिक भाग में यदि आवेश जो है एक समान रूप से निरंतर वितरित हो रहा हो, आयतन मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, है ना, तो उसका संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण निरंतर एक समान होता रहा हो या होता है, उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। घनत्व किसे कहेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते, एकांक आयतन क्षेत्रफल हो तो एकांक क्षेत्रफल, रैखिक हो एकांक रैखिक लंबाई, इस प्रकार से हम बोले थे। और इसको जो है किससे दर्शाते हैं, इसे इस प्रकार से रो से दर्शाते, इसको क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक जो होता है कूलाम मीटर प्रति मीटर क्यूब, मतलब त्रिघात, ये यहाँ तक क्या आपको, चलो थ्योरी को चलते, ये मैंने एक पृष्ठ बनाया है आयतन के रूप में, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल आयतन क्या होगा, ये होगा V होगा, ठीक है। माना, चलो यहाँ शुरू कर देता हूँ मैं, माना किसी, याद रखिए, किसी चालक का आयतन V है, जिस पर, यहाँ लिख सकते हो,
जिस पर समान रूप से आवेश वितरित हो रही है, वितरित हो रही है। ठीक है, एक आयतन है ना, इसमें जो आवेश वो एक समान रूप से वितरित हो रही है। तो dv का, अब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, dv, याद रखिएगा, dv का अवयव लेते हैं जहाँ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, डी क्यू होगा, डी क्यू। आपने देखा होगा हमने इसको केवल इतना चेंज करते जा रहे हैं, बाकी जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आवेश घनत्व क्या निकालेंगे, आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व यहाँ पे किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, यहाँ लिखेंगे रो। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, आवेश बटा आयतन dv हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से dq का मान निकालेंगे तो हो जाएगा रो dv हो जाएगा, और ये समीकरण एक बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि अवयव dq पर आवेश के कारण परीक्षण आवेश की जीरो पर स्थिर विद्युत बल, देखो ये परीक्षण आवेश की जीरो है, यहाँ पर जो बल लगा रहे हैं हम उसी का मान निकाल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ एक बटा फोर फाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू क्यू जीरो आर स्क्वायर, और एकांक सदिश भी लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण एक से हम जो है dq का मान रख देंगे। ठीक है, अब dq का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा df एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे हो जाएगा रो dv q जीरो बटे r स्क्वायर r कैप। ठीक है, ये छोटे से अंश के लिए की जीरो मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के लिए फार्मूला है, यहाँ तक भी पूछ सकते हैं आपको, डी क्यू के लिए भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संपूर्ण आयतन लिख सकते हो, संपूर्ण आयतन पर उपस्थित आवेश के कारण परीक्षण आवेश की जीरो पर कुल बल, ये था छोटे संस के लिए। अब टोटल पूरे के लिए निकालेंगे, ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे हो जाएगा आयतन एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या लिखा है हमने, रो डी वी क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर और ए आर कैप हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेतांक है उसको हम बाहर लेते हैं, तो चलिए बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा अपना एक क्यू जीरो फोर पाई एफ्लाम जीरो
वी, यहाँ पे हो जाएगा पी डी वी, मतलब सॉरी रो आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा। ये रहा आपका फार्मूला किसके लिए होगा, आपके आयतन आवेश वितरण के लिए, आयतन आवेश वितरण के लिए बल यही होगा। ठीक है, तो बहुत छोटा सा था, आई होप आपको अच्छा लगा हो ऐसा मैं मानता हूँ। यदि आपको कुछ इसमें आपको कोई दिक्कत जा रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करिए यार, आप लोग कम जितने भी देख रहे हो कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, लाइक बटन जो रहता है ना उसको दबा दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पसंद आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।